सात वर्षों से हम बनाते आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने लगभग डेढ़ वर्ष लगाया मीटिंग की, प्रोडक्ट स्टडी किए, अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाई, मैन्युफैक्चर किए, सैंपल बांटे, रिजल्ट लिए। तो जब हमें लगा कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है और प्रोडक्ट अच्छे हैं, और दूसरा हमने एक कॉन्सेप्ट और बनाया, इसके बारे में हमारे सहयोगी कौशल भारद्वाज जी, मैं फिर से एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा, इन सभी लोगों के सम्मान के लिए वो स्टेज पे आएं प्लीज। पैसा हमारा इस प्रोसेस में खर्च हो जाता है, जबकि कीमत उस प्रोडक्ट की 20 रुपीज होती है, जहां पर 60% तक कीमत पहुंच जाती है। अब एक दुकानदार के पास कोई भी उत्पाद आया है, चाहे वो कोई क्रीम है, चाहे वो कोई पेन है, कोई भी प्रोडक्ट आया है, तो एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि दुकानदार के पास कोई चीज है? उसके लिए सबसे बड़ा हाथ रहता है एडवर्टीजमेंट का, जिसमें कि 40% खर्च करते हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर किया जाता है प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, और हमको वही 20 रुपए वाली चीज कस्टमर तक 100 रुपए में जाती है। ये ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है जो आज तक चलता आ रहा है, और आप भी देखते हैं कि इस प्रक्रिया से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बहुत सारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो यही स्टाइल है आज तक, जिस तरीके से मार्केटिंग का स्टाइल देखते आ रहे हैं। ऑनलाइन कम से कम 60-70% शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? Yes. नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल। अभी बहुत सारे जूते आजकल देना, जूते परचेज करने हैं तो आदमी रिटेल शॉप में जाएगा, वो बोलेगा 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए का जूता, अगर वही जूता। एडवर्टीजमेंट तो हो रही है, आज भी हम अमेज़न के ऐड तो देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, तो 40% खर्चा वो भी कर रहे हैं, 20% का उत्पाद में खर्चा, बनने में खर्चा आया, 40% ऐड में आया, 60% वो मार्केट तक पहुंचाने में खर्च कर रहे हैं, 10% अपने लिए रखते हैं, 20-30% का 30% तक का डिस्काउंट हमको ऑनलाइन मार्केटिंग में मिल रहा है, इसीलिए हम शायद अपने आज हम स्विच हो गए हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ। अब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग, जो हम कर रहे हैं, हमने इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में क्यों उतारना चाहा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से हमको क्या है कि कंपनी से कोई भी उत्पाद चलेगा उसी कीमत में, लेकिन बीच में ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रिटेलर है, और ना ही इसकी कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट से मुझे फायदा होता है, मेरी फैमिली में किसी सदस्य को फायदा होता है, और उसी उत्पाद के बारे में मैं अपने किसी दोस्त को, संबंधी को, रिश्तेदार को बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट से मेरे घर में फायदा हुआ है, वही एडवर्टीजमेंट है। अमिताभ बच्चन भी वही बोलते हैं कि 10 रुपए की पोरो प्लस, क्या हमको लगता है कि 10 रुपए की पोरो प्लस अमिताभ बच्चन लगाते होंगे? तब उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे अमाउंट था वो हम आपस में, ग्रुप ऑफ पीपल हम आपस में बांटते हैं। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। हिंदुस्तान में लगभग 20 सालों से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग से मिल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी तरह, इस बिजनेस का भी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम पर काम करते करते डायरेक्ट सेलिंग से हजारों लाखों लोग यहां से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब वो सिस्टम क्या है? सिस्टम है ABC, बहुत सिंपल और आसान। 4000 बिजनेस वॉल्यूम हमको परचेज करने हैं, हर प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम लगे रहेंगे, आप चाहे तो 15 से 20 प्रोडक्ट में, जो भी आपकी जरूरत के प्रोडक्ट हैं, वो परचेज करने, 4000 बिजनेस वॉल्यूम हमको परचेज करने हैं। आपकी एक ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा, एक लॉग इन आई डी, एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब ये सिस्टम फॉलो करना है कि जिसने किट परचेज की वो है फ्रेशर, आपने हमसे किट परचेज की, आपको क्या करना है, अपने 15 खास लोग, वो व्यक्ति जिनकी जिंदगी में आप ये बेनिफिट देना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट देना चाहते हैं, एक सीनियर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना जानता है, या
प्रेजेंटेशन इस तरह जिस तरह के हॉल में बैठे हैं, जहां पर स्टेज के माध्यम से एक बार में ही सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसमें काम क्या करना होता है, डायरेक्ट सेलिंग में एक फ्रेशर व्यक्ति को जो यहाँ से एनर्जी किट परचेज करता है उसको अपने जान पहचान के लोगों को या तो किसी सीनियर से मिलाना होता है या किसी प्रेजेंटेशन में लेकर जाना होता है। आसान काम है कि मुश्किल काम है? किसी से मिलाना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, हमको अपने जान पहचान के व्यक्ति को मिलाना है सर किसी सीनियर कि जिस व्यक्ति को आपके थ्रू डायरेक्ट ये किट गई। अब ए मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम ये रहते हैं, पहली व्यक्ति पे मात्र आपको यहां से 350 रुपए की अर्निंग होती है। ये हमारी फर्स्ट इनकम है जो किसी भी डायरेक्ट आपके थ्रू कोई व्यक्ति आता है, सिर्फ 350 रुपया एक आदमी से मिलेगा। क्या 350 रुपए से जिंदगी बदलेगी? एक व्यक्ति हम बोलते ना कि जोड़ने का बिजनेस है, किसी को फंसाने का या ठगने का बिजनेस है, क्या 350 रुपए से किसी की लाइफ बदल सकती है? मेरे किसी को कन्विंस करने की बस मैं एक किट। दूसरी इनकम है वो है मैं दूसरे व्यक्ति की। दो लोग आए तो पहली इनकम के माध्यम से 350 रुपया लेफ्ट पे 350 रुपया यानी कि 700 रुपया दो लोगों के डायरेक्ट पे आपको कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। लेकिन मैचिंग बोनस क्या बोलता है कि जैसे ही आपके लेफ्ट में एक व्यक्ति राइट में एक व्यक्ति एक पेयर पूरा होता है तो यहां से आप मैचिंग इनकम के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं और मैचिंग इनकम हमारी एक पेयर पे 500 रुपीज। यानी कि सिर्फ 5 लोगों को मिलाने से, 2 लोगों को बिजनेस में लाने से, 2 किट सेल करने से आपको कंपनी की तरफ से जो फर्स्ट पे आउट निकलता है वो निकलता है 1200 रुपए का, यानी कि 500 मैचिंग का, 350 डायरेक्ट का, सिर्फ 2 ही लोगों पे। और बेसिक वीकली पे आउट है ये, 2 इनकम आपको वीकली आएगी। फ्राइडे हमारी कंपनी की क्लोजिंग होती है और मंडे को पे आउट आपके खाते में। तो ये 2 इनकम है, इसके अलावा भी 2 इनकम अभी और है। ये आपने वो काम किया जो आपने डायरेक्ट किया, आपके साथ 2 लोग बिजनेस में आ गए। अब मान लीजिए आप अपने किसी काम से, आप किसी प्रोफेशन की वजह से, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, आपने सिर्फ पार्ट टाइम काम करके 2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर गलती से ले आए। लोग आए हैं वो भी तो उन 3 बेनिफिट्स के लिए आए हैं कि वो अपना प्रोडक्ट फ्री कर सकें, 1 लाख तक का रोजगार हासिल कर सकें और अपने परिवार को ऐसी सुरक्षा दें कि कल अगर इस धरती पर भी ना रहे तब ये एक इनकम हमारे घर आती है। ये 3 फायदे इन लोगों की भी जरूरत है। अब मान लीजिए ये 2 लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, एबीसी सिस्टम, अपने जान पहचान के 2-4-5 लोगों को मिलाते हैं, ए के भी 2 लोग आते हैं और बी के भी 2 लोग आते हैं, एज इट इज आप ही की तरह ये भी वो इनकम करते हैं। ए का एक पेयर पूरा हुआ 500 रुपए एक पेयर का, बी का एक पेयर पूरा हुआ 500 रुपया। लेकिन आप इन 4 लोगों को जानते हैं क्या? आप बिजी हैं अपने किसी पर्सनल काम से, लेकिन आपके साथ ए और बी जो 2 लोग आए उन लोगों के माध्यम से 2-2 लोग उन्होंने अपने अपना पेयर पूरा किया, आप उन 4 लोगों को नहीं जानते। लेकिन सिस्टम क्या बोलता है कि आपके लेफ्ट में 2 लोग आए, आपके राइट में 2 लोग आए तो 2 पेयर आपके कंप्लीट हुए। एक पेयर पे 500 रुपए की इनकम है तो 2 पेयर पे होती है 1000 रुपए की। इसी तरीके से आपके लेफ्ट में 3 लोग हैं, राइट में 3 लोग हैं, सिस्टम में काम करते करते एक दूसरे को सपोर्ट करते करते वही 4-5 लोगों को इंट्रोड्यूस करके मीटिंग में ला के अपने गेस्ट को, इस तरीके से लेफ्ट में 10 लोग हो जाएंगे, राइट में 10 लोग हो जाएंगे, 10 पेयर होते हैं, एक पेयर पे 500, 10 पेयर पे 5000। इसी तरीके से आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम आती रहेगी जब तक कि आप 1 हफ्ते का 1 लाख रुपए ना कमा ले, यानी कि महीने की 4 लाख रुपए तक की हमारी कैपिंग है मैचिंग बोनस। ये थी हमारी दूसरी इनकम। क्लियर हुआ? कोई डाउट? थैंक यू। अब बात आती है थर्ड इनकम। आमतौर पर आदमी क्या बोलता है, थर्ड इनकम है पूल इनकम, कि भाई अगर इतना काम हो गया इसके बाद नहीं हुआ तो ऐसा होता है ना कि हमसे मान लीजिए 2 लोग आ गए, अगर तीसरा ही आदमी नहीं आया या ये 2 लोग काम ही ना करे तो डायरेक्ट इनकम उतनी आएगी, जितनी सेल्स होगी उतनी इनकम आएगी। लेकिन हमने पूल इनकम कैसी इनकम क्रिएट की कि बेसिक का नाम है बिजनेस ट्रेनिंग। आज हमारा प्रेजेंटेशन के अलावा अचीवमेंट फंक्शन भी है जिसमें कुछ लोगों ने कुछ अचीवमेंट करी है, अभी आपके बीच में वो लोग आएंगे जिन्होंने अपनी कंपनी के टर्नओवर से 8% बांटने वाले हैं उन लोगों में जो बेसिक काम जिन्होंने कंप्लीट किया, पहला लेवल जिन्होंने अचीव किया अगले 6 मंथ तक। अकॉर्डिंगली बिजनेस ट्रेनिंग को
जो इनकम मिली है वो 1350 तक मिली है। तालियां होनी चाहिए सिंगल के लिए। 1200 रुपए का हमारा फर्स्ट पे आउट था, 1350 रुपए आ गया उतने ही काम पे, यानी कि 2500 रुपए तो आपने वापस कर लिया। अभी 5 महीने बाकी है, 6 महीने तक देने वाले हैं, तो प्रोडक्ट फ्री हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऑन एन एवरेज 500 से 1000 रुपए के बीच में मैम कैलकुलेट करके चलते कि एवरी मंथ आता रहेगा 5 तारीख को आपके खाते में, प्रमोट कर रहे हैं 4000 बिजनेस वॉल्यूम की, जिसमें कि आप अपने पसंद में से 20 प्रोडक्ट में से जो आपकी जरूरत के प्रोडक्ट है वो छांटिए, 4000 बिजनेस वॉल्यूम पूरे कीजिए और अपने लिए 7000 रुपए की किट परचेज कर लीजिए। वो किट आपकी मात्र 2 लोगों को प्रमोट करने के ऊपर वो किट आपकी फ्री हो जाती है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है जो डायरेक्ट सेलिंग में आज तक आपको कहीं नजर नहीं आई। अब बात आती है सेकंड पूल की। सेकंड पूल है हमारा टीम लीडर पूल, यानी कि आदमी तब डेवलप होगा जब अपने साथ जो लोग आए हैं उनको डेवलप करता हुआ चलेगा, तभी वो अगले लेवल तक जाएगा। अगर लेवल टीम लीडर है, टीम लीडर ने क्या करना होगा, आप हैं, आपके साथ 2 लोग आए थे, ए और बी पार्टनर, अब आपको अपने लेफ्ट में 3 लोग और राइट में 3 लोगों को उस 6 महीने की इनकम के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी लीडर यहाँ पर सेकंड लेवल अचीव करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर 10 50 10 पेयर कर लो, 500 रुपए पेयर के हिसाब से आपको मैचिंग मिलेगी, लेकिन आप सेकंड पूल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको अपने डाउन में 3 लोगों को लेफ्ट में 3 लोगों को राइट में क्वालिफाई करना पड़ेगा उस इनकम के लिए कि उनका प्रोडक्ट फ्री हो जाए। 6 महीने तक एक ऐसी आमदनी आए कि जो उन्होंने परचेज किया था वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल किया अपने घर में अपने फैमिली के लिए सबके साथ इस्तेमाल किया, ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी फ्री हो जाए। तो ये है सेकंड पूल हमारा, यानी कि 4 टीम लीडर जिसे लेफ्ट में हो जाएंगे, 4 टीम लीडर यानी कि सेकंड पूल अचीवर राइट में हो जाएंगे, आप अचीव करेंगे थर्ड पूल मैनेजर पूल। यहाँ कंपनी टर्नओवर का हम 4% देंगे अगले 6 मंथ तक। सॉरी मैं आपको टीम लीडर का बताना भूल गया था कि हम कंपनी टर्नओवर का 6% देंगे अगले 6 महीने तक। अब टीम लीडर पे या मैनेजर पे एक व्यक्ति है उसको मिलेगा टर्नओवर का 4% बढ़ेगा अगले 6 महीने। चौथा पूल है हमारा सीनियर मैनेजर 5:5 यानी कि 5 मैनेजर लेफ्ट में 5 मैनेजर राइट में, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप बनेंगे सीनियर मैनेजर, कंपनी टर्नओवर का 3% मिलेगा अगले 9 महीने तक। ऑन एन एवरेज यहाँ 50,000 से ऊपर की अर्निंग होगी मंथली जो 9 महीने तक। हमने डायरेक्ट सेलिंग में लीडर को एक मंथली इनकम पे लाना था, इसीलिए इस प्लान को हमने डिजाइन किया 3:3 यानी कि 3 सीनियर मैनेजर जिस दिन आपके लेफ्ट में हो जाएंगे, 3 सीनियर मैनेजर आपके राइट में हो जाएंगे, आप बन जाएंगे डायरेक्टर और कंपनी टर्नओवर का 2% मिलेगा अगले 12 महीने तक, 1 साल तक। इसी तरह डायरेक्टर जनरल हमारा लास्ट पूल है 6th पूल, जिसमें जिस दिन एक डायरेक्टर आप लेफ्ट में क्रिएट कर देंगे, एक डायरेक्टर आप राइट में क्रिएट कर देंगे, आप बन जाएंगे डायरेक्टर जनरल और कंपनी टर्नओवर का 1% आपको मिलेगा लाइफ टाइम। ये हमारी कंपनी की रॉयल्टी इनकम भी है। अगर आपने गौर किया होगा पूल बोलते हैं आप लोगों की टीम भी है, मैं 2000 लेफ्ट में है 3000 राइट में मैं कमा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ 5 लोग या 10 लोग कमा रहे हैं। हमने आज तक जितनी भी कंपनी में काम किया, मेरा लास्ट जिस कंपनी में मैंने काम किया वहां का नेटवर्क है मेरा 18,000 लोगों का। उस 18,000 लोगों में मुझे नहीं लगता कि 100 200 या 500 से ज्यादा लोग रेगुलर अर्निंग में थे, लेकिन हमारे स्कूल की वजह से एक लीडर तभी डायरेक्टर जनरल बन पाएगा जब अपनी टीम में 2 डायरेक्टर क्रिएट करेगा, 2 लोगों की जिंदगियां बदलेगा। तो ये बिजनेस ही है जब हम 2 लोगों को की लाइफ चेंज करना है। अगर हमको 1,00,000 रुपए वीकली पे जाना है तो हमको इन 2 व्यक्तियों को 50,000 वीकली पे पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके हम 1,00,000 रुपए वीकली पे जा सकते हैं। तो ये रही हमारी थर्ड इनकम पूल इनकम। जो रिवॉर्ड्स में क्या है कि फर्स्ट अगर आपके 10 पेयर पूरे होते हैं, आपने पहला रिवॉर्ड जीता 4,000 रुपए का, इसमें हम कोई गिफ्ट देंगे, ईयरबड रखी हमने या स्मार्ट वॉच रखी हमने 8,000 रुपए की। इसी तरीके से के लिए और अकाउंटिंग के लिए जाते हैं। देखिए आप हम सब लोग अर्निंग कर रहे हैं, नौकरी के चेंज करते हैं, जहां हम अपने एरिया के कल्चर ट्रेडिशन एक्सचेंज, डोमेस्टिक टूर है 250 रुपए पे, हम इंटरनेशनल टूर दे रहे हैं जो
थाईलैंड, बैंकॉक, बताया, बाली, कोई भी एरिया जो भी सारे लीडर जो क्वालिफायर्स होंगे वो अपनी तरफ से सिलेक्ट करेंगे भी हम इस लोकेशन में जाना पसंद करेंगे। उनका टर्नओवर दिया, आज खुशी इस बात की है कि आज हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्वरोजगार फैला रहे हैं, पूरे हिमाचल से कोई प्रोडक्ट आ रहा है और हिमाचल के रॉ मटेरियल से हम अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस संस्था को सपोर्ट कीजिए और एक रोजगार का अवसर हम सबके लिए है, इसको अडॉप्ट कीजिए और हमारे देश की तरक्की में, हमारे प्रदेश की तरक्की में सब सहयोगी बने। आशा करता हूँ आपको। मिस्टर एम एल आजाद जी, मोहित जी, महेश कुमार जी, नितेश वर्मा जी, दीपक जी, बलवीर शर्मा जी, हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और अपने सीएम जी साहब के लिए जिन्होंने एक मौका दिया हमारे कि हम अपने ही कुमार बहुत ही अदब से बुलाना चाहूंगा कंपनी के एमडी मिस्टर सुनील कुमार जी को, प्लीज सर। पंकज भरद्वाज राणा जी, सर प्लीज कुछ अब ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश होते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैंने रिपन हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर है, इनके हम हर वक्त धन्यवादी रहते हैं, पता नहीं क्या संस्कार है इनके साथ जुड़े हुए, जब इनको देखते हैं हमें बहुत ताजगी। ये तो बोतल बहुत महंगी है, इसमें तो बड़ा भारी रेट लगा हुआ, ज़्यादा लगा हुआ। कुछ एक लोग ऐसे कि क्या है कि उसका अपने लिए भी नुकसान है, औरों के लिए भी नुकसान है, देश दुनिया के लिए भी नुकसान है। आप जिम्मेदारी से कमा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, कोई सेब से कमा रहे हैं, कोई नौकरी से कमा रहे हैं, अच्छी बात है, अर्निंग कर रहे हैं तो अच्छे इंसान बन करके रहे हो। जब कमाई नहीं है, नेगेटिविटी है, सिर्फ कोई बिजनेस करना, अरे भाई दुकान खोलो, वो ना जी ना मैं तो फ्रिज ही लूँगा, मतलब 10 लाख का फ्रिज ले लूँगा। कोई बाप बोलेगा अरे बेटा तू नौकरी नहीं कर रहा है तो कम से कम ऐसा करके मैं दुकान देता हूँ, दुकान नहीं, नहीं नहीं पापा मुझे तो जो है पहले हमारे पास 1 करोड़ रुपए कर, चाहे बदमाशी करो चाहे जो, मेरी पॉजिटिव हमेशा हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। खेती बाड़ी में भी होता है ऐसा, एक साल आपने सेब की फसल कर दी, अब उस साल फसल नहीं हो, आप सेब लगाना छोड़ देते क्या, उनको काट देते पेड़ों को क्या? हमारे तो कुल्लू में कई बार 3 साल के बाद भी आती है फसल, जो है सराज में भी आती है कई बार, पीछे तो 3 साल पैटर्न ही था, 3-4 साल के बाद आती थी फसल, सेब काट दिए लोगों ने, नहीं। हर चीज में क्या होता है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रखना। किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी, एक दवाई से राम नहीं हुआ करके क्या आपने उस डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर देना, वो डॉक्टर उस दवाई को चेंज करेगा, वो देखिएगा कि और फिर कौन रातों रात तरक्की नहीं की होती है। कोई स्टूडेंट है यहाँ तो बैठे नहीं है स्टूडेंट जो है, पर ऐसा है कि जिसने भी तरक्की की है वो रातों रात नहीं होते भी है, उन्होंने भी मेहनत की हुई है, अच्छी मेहनत की हुई है, तब जाकर के वो तरक्की करते हैं करके। इसलिए ऐसा है कि एक बेसिक जो है तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो सभी चीज़ों में हम कामयाब हो जाते हैं। अब हम पहले ही सोच लिया अरे क्या है ब्रश, अरे क्या प्रोडक्ट है, कौन खाएगा, कौन पिएगा, क्या जूस है, कौन फलाना, क्या ब्रास का जूस है, क्या वो क्या चीज़ आई, वो आगे नरेंद्र की कीड़ा बैठ गया, नेक्टी भी बैठ गया कीड़ा, वो कुछ नहीं करना, क्या है वो यार इतना टाइम ही नहीं है, क्या करना है एच एस, तो पता नहीं आप एस डी एम कब लगते हैं, लगते भी कि नहीं भी लगते। तो ये चीज जो है आई एस लगना, आप मानो कोई प्रिंसिपल लगे हुए, कोई और लगे, लेक्चरर लगे, बनता है ना,
भाई अटैच करने से जो है मतलब है सोना पड़ जाता है पारस सॉरी हाँ पारस दे दिया तो लोग उसको दे दिया कि देख बेटा उसको कहा कि एक महीने में जो है आपको जो है इसमें ये मैंने दे दिया है तो जितना मर्जी सोना बना दे लोहे का सोना बना दे जितना मर्जी बना दे। और बंदा क्या करता है पहले तो उसने ले लिया पारस रख दिया रखने बाद क्या करता है कि 15 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद मार्केट में जाता है पूछता है लोहे का रेट क्या भाव क्या जी कुछ महंगा है जी तो बोलता है कोई बात नहीं अभी थोड़ा महंगा है जब थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो हम ले लेंगे। ऐसे करते करते उसने महीना तो निकाल दिया महीना दिन के बाद जो है माता माता वापस लेने के लिए कि जी मुझे पारस तो वापस दे दो ले लो। वो कहते जी मैंने तो अभी तो कहते कितना बनाया कितने मैंने तो सोना बनाया क्यों कहते मार्केट में गया था तब तो लोहा महंगा था मैं तो सोच रहा था कहते अब नहीं भाई अब इस पारस को वापस दे दो अब नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि सोचते सोचते हो गया कि भाई आप लोगों का जी आप जो देख रहे हो जी लोहा सस्ता हो जाएगा सस्ता हो जाएगा वो सस्ते के चक्कर में जो इतना भी नहीं सोचना भी है। तो इसलिए जो है जिसने मान लो ज्वाइनिंग करनी है या कुछ करना होता है ठीक है इतने अगर रिस्क लेने का सामाजिक और शारीरिक और मानसिक इन शक्तियों की आवश्यकता रहती है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। और कंपनी में जिस तरह से अनुशासन जिस तरह से धीरज संयम और एक टीम वर्क को आपस में काम करना चाहिए मुझे लगता है ये दिख भी रहा है। कहते हैं जिंदगी मिलेगी एक दिन ये फैले हुए इनके पंख बोलते हैं जो रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं ये बात और लाखों पति थी लेकिन समय के साथ उनके पास शायद वीजा नहीं था। हो सकता है उस समय धीरूभाई अंबानी किसी पेट्रोल पंप पे पंप भर रहे थे लेकिन उस इंसान के पास वीजन था वो पंप भरने के साथ साथ जैसे लोगों को साथ लेके चले। और आज पूरे समाज में जो परिवर्तन देखने में उनके द्वारा आता है वो निश्चित रूप में सराहनीय है। उसी तरह से जो है वो फ्रेश है इसका सबसे पहले जो वास्तव में रिजल्ट है वो हमारे शारीरिक अगर देखा जाए बहुत सारी बीमारियां आज केमिकल फर्टिलाइजर ये वो खान पान स्वामी के भक्त है ऐसा नहीं है और तो पूरी दुनिया है। अच्छा आप कुछ लोग मतलब सही है। पोंग गांव है क्या ये? हाँ पनेओग पनोग पनेओग दस घरों का छोटा सा गांव है ना कितना प्यारा लग रहा है। वैसे है ना आप आपके घरों की यार कीमत इन करोड़ों वो लाखों की होती है जमीन से तो आप हिमाचल के लोग हैं ना अमीर बहुत हो जमीन के मामले में ये बात है।
हाँ अच्छा, दो जो टावर है वो नारकंडा है, सही है, उसके पीछे है ना जो उससे उस अच्छा थोड़ा सा पहाड़ों साइड हो गया ना, सही। देखो कितनी ऊपर है सेब के, वो है परमात्मा, मजेदार चीज है भाई, के ऊपर ताकि जब ओले आने से बचने के लिए ना, तब ये जाने वाले ये कोटगढ़ ऊपर वाला ये टॉप बढ़िया। सबसे पहला बगीचा यहाँ लगा था कोटगढ़ में ना, अमेरिका से लेके आए थे प्लांट, वहाँ लगा था सबसे पहला, सत्यानंद स्टॉक ने लगाया था। अच्छा, मतलब सेब का बगीचा, सेब का सबसे पहले उधर लगा था, कोट क्या नाम है, कोटगढ़, फिर उसके बाद सब ऑर्चर्ड बन गए धीरे धीरे करके, हिस्ट्री यही है पूरे हिमाचल में, सेब इधर था सबसे पहला बगीचा लगा था यहाँ, क्या नाम है कोटगढ़, सत्यानंद स्टॉक, सही है। ये कचेड़ी गाँव है? हाँ, कचेड़ी गाँव। अच्छा, नारकंडा से कितनी दूर है इधर? ये मतलब 7-8 किलोमीटर पीछे है, फिर हाँ, इसके बाद नारकंडा आएगा, इसके बाद उड़ी स्टेशन आएगा, उसके बाद नारकंडा, ये नारकंडा के बाद है कचेड़ी गाँव है ना, सही है। वो कौन सा है ये, किस, वो कोटगढ़ एरिया है पार सारा, आपने नीचे से देखा था ना, नहीं अलग अलग जगह है, कोई दलान है, अच्छा ठीक। ओए क्या कर रहा कालू? ओ कालू।